अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वहाज एंड यू आर वाचिंग DWAQ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग में आपको DWAQ पे। आज ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ बहुत अच्छा, बाकी तो वही डेली रूटीन होगी, लेकिन आज मैंने कहा कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, मैं पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ कमर दर्द की एक्सरसाइजेस बताऊं जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं, और वो कैसे करनी है आप मेरे साथ आ जाएं। आ जाएं। तो आपने करना क्या है कि हीटिंग पैड ले लेना है। अब हीटिंग पैड कब लेना है, जब आपके जो कमर के पट्टे हैं वो टाइट हुए हुए हों, उनमें स्पैज़म हो, या आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हों। अब इससे क्या मुराद है कि जब आप रुकू में जा रहे हों और आपको खिंचाव पड़ रहा हो, या आप इस तरह एक्सटेंशन में ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको खिंचाव पड़ रहा हो, तो उसमें क्या करना है कि आपका हीटिंग पैड होना जरूरी है। और वैसे भी कोई एक्टिविटी करें तो आपको रीढ़ की हड्डी में नहीं बल्कि साइडों पे खिंचाव महसूस हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि हीटिंग पैड को ले लेना है, और हीटिंग पैड आपने अपने बैग पे इस तरह से पैच कर देना है। इसका तरीकाकार ये भी है, आप ऐसे भी उसको पैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो इसके ऊपर लेट भी सकते हैं, तो आपने इसके ऊपर हीटिंग पैड के ऊपर ऐसे लेट जाना है। उसके बाद क्या करना है, जब आप लेट जाएंगे तो 5 से 10 मिनट के लिए हीट को अच्छे तरीके से हीट को लगा रहने दीजिए। जब 10 मिनट तक हीट हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी टांग को इस तरह सीधे तरीके से ऊपर उठाना है और होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। आपने गिनती गिननी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि मैं बाइक राइडर हूं तो बाइक राइडर में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, या जो ड्राइवर होते हैं जो ड्राइविंग ज्यादा करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन पाई जाती है कि उनके मसल जो हैं वो बैठ बैठ के स्टिफ होते हैं। अभी मैं फिर इस लेग को 10 सेकंड का होल्ड दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपने जो रिपीटेशंस रखनी है ये कम से कम आपने 5 से 10 रिपीटेशंस रखनी है, कि 5 से 10 मरतबा आपने ऊपर नीचे 10 सेकंड के लिए होल्ड देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी दोनों टांगों को बेंड करना है। बेंड करने के बाद अपनी जो आपकी हिप है उसको रेस करना है, कमर को रेस करना है और होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर वापस नीचे जाना है और सांस लेनी है, गहरी सांस लेंगे, फिर उसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसी के बाद फिर से रेस्ट लेना है 5 से 7 मरतबा। आपने जो है वो अपनी बैक को लिफ्ट करना है, ऐसे ही रेस्ट करना है, ऊपर की तरफ उठाना है, 10 सेकंड का होल्ड देना है और वापस नीचे रखना है। जब ये कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी एक लेग को इस तरह बेंड करना है, दूसरी लेग को आपने उसके ऊपर इस तरह ला के रखना है, अपने दोनों हाथ लेने हैं और यहां से आपने इस जगह से थाई से पकड़ना है, ऐसे ग्रिप करनी है और इसको अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है, ऐसे 10 तक काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 टाइम इस साइड पे और 5 टाइम आपने यही मैन्यूवर इस तरफ रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो आपकी ये वाली लेग होगी यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि उल्टा लेटना है, आपने उल्टा लेट के आपने इस तरह से एक्सटेंशन में रहना है और सामने की तरफ देखना है। कम से कम 30 सेकंड के लिए आपने इस तरह रहना है और उसके बाद फिर नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद फिर आपने ऊपर आना है
और 30 सेकंड के लिए 5 to 7 टाइम आपने इस तरह करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आप उल्टा लेटेंगे तो उल्टा लेटने के बाद आपने ये वाली टांग ऐसे उठानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दूसरी टांग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक्सरसाइजेस करने से आपका जो पेन है वो ऑलमोस्ट 70 to 75% कम हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह इस लेग को उठा के अपनी लेग के अराउंड ले आइएगा और अपनी हैंड से इसको ग्रिप करना है और इस तरह रोटेट करना है। एक माइल्ड सा स्ट्रेच आपको फील होगा इस एरिया में। सेम इसी तरह दूसरी लेग के लिए। तो अगर आपको ये एक्सरसाइजेस करते हुए जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है या पेन बढ़ रहा है तो उस सूरत में आपने इन एक्सरसाइजेस को स्टॉप कर देना है और किसी अच्छे से डॉक्टर के पास, जो आर्थोपेडिक हो या फिजियोथेरेपिस्ट हो, उसके पास चले जाएं और वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए टेस्ट लिख के देगा। MRI होगी या एक्सरेज होंगे, वो करवा लीजिए ताकि बेहतर डायग्नोज हो जाए कि फिर प्रॉब्लम क्या है। अपना पोस्चर ज्यादा से ज्यादा सीधा रखें ड्राइविंग के दौरान वैसे बैठते हुए। अगर आप लेट्स सपोज जिस तरह अभी मेरा प्रोफेशन है बैठने में काम ज्यादा है, तो मैंने क्या करना है कि जब भी मैं बैठूंगा, ये सीट है स्पेशली जो लैपटॉप और जो कंप्यूटर वर्क ज्यादा करते हैं, तो आपने यहाँ पे एक कुशन रख लेना है। अगर कुशन नहीं है तो कोशिश ये करनी है कि जो आपकी ये बैक है ये इसके साथ बिल्कुल जुड़ जाए और जुड़ने के बाद आपने ये कमर बिल्कुल स्ट्रेट करके ऐसे बैठना है, ठीक है। अवॉइड करें कि लेजी सिटिंग जो है, जो लूज सिटिंग है, जिस तरह हम इस तरह स्टूप पोस्चर में बैठे होते हैं, इन सिटिंग्स को जो है वो आपने अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि अपने पोस्चर को मेंटेन रखें। फिर इसके बाद अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या कोई आपके वर्क रूटीन इस तरह है कि जब आप उस पर बैठते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाता है, तो कुछ दिनों के लिए वो उस काम को कोई और पोजीशन में करने की कोशिश करें बजाय इसके कि रिपीटेटिव वही मूवमेंट करें जिसकी वजह से आपका पेन बढ़ जाए या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो उससे बेहतर यह है कि आप इन चीजों की एहतियात करें। जब आप एहतियात करेंगे तो विद इन नो टाइम, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर, आप इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, आप उनसे छुटकारा आसानी से हासिल कर लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।